एक चीज़ है, आप फॉर्च्यूनर ले लो, आप जीप ले लो, आप मर्सिडीज भी ले लो, लेकिन जितना कैपेबल ऑल्टो है उतना नहीं लगता मैं वो कैपेबल की गाड़ी। उड़ जाएगा भाई, उड़ जाएगा। अब एक नया वार्निंग मेरे को दिखा, DF लो दिखा रहा है। गाड़ी चलाने में ना इस रास्ते में बड़ा मज़ा आ रहा है। दो चारों साइड माउंटेन, बीच में वैली, मस्क मक्खन की तरह रास्ता है। मुझे लगता है तो लास्ट टाइम ज़्यादा टूटा हुआ था शायद ये। 14,200 फीट पर भी हम लोग हैं। ओह माय गॉड, स्लो। देखा जैसे मक्खन रास्ता बोला, मक्खन साला मिर्ची बन गया। अब ये एकदम प्लेन रोड है, बीच में गड्ढा, ऐसे टाक नीचे जाएगा अब ऊपर आएगा। बताइए, एक चीज़ है, आप फॉर्च्यूनर ले लो, आप जीप ले लो, आप मर्सिडीज भी ले लो, लेकिन जितना कैपेबल ऑल्टो है उतना नहीं लगता मेरे को कैपेबल कोई गाड़ी होगी। क्या लगता है आपको? इतना ऑल टेरेन। हाँ अच्छा, ऑल्टो का मतलब ये ऑल टेरेन, सही है। एक्चुअली है उसके लायक, वो कहाँ कहाँ नहीं देखा हमने। बाकी गाड़ी जहाँ स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पहुँचा हुआ था ऑल्टो, ऑल्टो ए स्टार और कौन सी था, सिलेरियो, शाहरुख खान। जब तक है जान की शूटिंग यहाँ हुई थी, बताइए यहाँ पे जब तक है जान की शूटिंग एरिया, पता नहीं कहीं कहीं भी लिख देता है कहाँ कहाँ शूटिंग होता है। लुकुंग अभी आएगा, 21 किलोमीटर और है लुकुंग के लिए। फिर से ऑयल टेम्परेचर हाई का वार्निंग आने लगा, और अभी जो हम लोग हैं 14,000 फीट पे है। लुक्स लाइक इज समथिंग टू डू विद एल्टीट्यूड, और शायद मेरा इंजन ऑयल भी थोड़ा कम हो तो इसलिए ऐसा इश्यू कर रहा हूँ, पता नहीं। लेकिन मैंने निकलने से पहले बैंगलोर में ना सब कुछ चेक करवा के निकला था। अब निकुंज की जो कार है जीप कप, उसमें कोई वार्निंग नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो कार बहुत पुरानी भी नहीं है, हार्डली 2-3 महीने पुरानी है। ये मेरी कार हो गई ऑलमोस्ट, कितना पुरानी हो गई थे, 1 साल 3 महीना। उड़ जाएगा भाई, उड़ जाएगा। यहाँ पे तेज़ी से गाड़ी चलाना रिस्की है, क्योंकि एकदम प्लेन रोड रहता है, नीचे पे गड्ढा आता है, फिर से ऊंचा हो जाता है। समझा, ऐसे से पानी को क्रॉस करने के लिए बनाए हुए हैं गड्ढे। तो यहाँ पे ना रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है, तो कुछ दिन बाद डोरबुक से पैंगोंग लेक 4 लेन हो जाएगा लगता है, या 2 लेन तो कम से कम रहेगा। ये बार यहाँ डबल लेन नहीं है, एक्चुअली मेरे को लगता है 4 लेन बना रहे हैं, काफ़ी चौड़ा कर दिया है रोड यहाँ का। एक्चुअली कुछ टेंशन भी चल रहा है ना, इंडिया चाइना के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। चाइना अपना ईंटा उठा के थोड़ा आगे कर देता, बोलता है मेरा ज़मीन, वहाँ तक उसका होता फिर तो आगे कर देता, बोलता है मेरा ज़मीन, ईंट खसका रहा है। तो इसलिए शायद यहाँ पे, वैसे पाकिस्तान साइड थोड़ा शांति है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं चल रहा है, इस साइड अभी इशू चल रहा है, तो इसलिए इधर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ किया जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली गुड। फिर एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आ गया है ऐसे उतर के, एक काम करते हैं 4-व्हील लॉक ऑन कर देते हैं। 4-व्हील लॉक को मैंने ऑन कर दिया है, एंड लेट्स सी हाउ डज इट गो अगेन लाइक वाटर। अब एक नया वार्निंग मेरे को दिखा, DF लो दिखा रहा है, लेकिन हाफ टैंक है, तो आई गेस कि ये कम से कम ले तक तो पहुंचा देगा मेरे को। ले में मेरे पास 5 लीटर है,
तो उसको रिफिल कर देंगे, फिर दिल्ली में जाकर मेरे को लगता है एक और ख़रीदना पड़ जाएगा। ये मतलब जब मैं ले से निकला था ना तो ऑलमोस्ट 75% था इसमें, और 25% चला गया है मीटर के हिसाब से। नज़र रखना पड़ेगा इस पर, DF पे मिलेगा नहीं कहीं पे यहाँ पे। वैसे आधा है तो आई थिंक चल जाना चाहिए। लद्दाख में है मेरे पास 5 लीटर ना। यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर से एक बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैफिक जाम मिल गया है। आगे में लैंडस्लाइड का कुछ तो काम चल रहा है या पता नहीं रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें फंसे हुए हैं। दूसरा मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मेरा जो कार है अभी DF भी लो हो गया है। DF भी देख लो आप, DF लो लेकिन हाफ टैंक दिखा रहा है तो आई थिंक पहुंच जाएगा ले। और उसके बाद ऑयल टेम्परेचर भी हाई था। गाड़ी का इंजन ऑफ करके फिलहाल इंजन ऑयल को भी ठंडा होने दे रहे हैं ताकि आगे में दिक्कत ना करो। सिर्फ जहाँ जाना हम लोगों सिर्फ 7 किलोमीटर है, 11-12 मिनट का टाइम रास्ता और बचा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस वही एक दिक्कत यही हो गया है कि तो आपको जो है ना DF वाला इशू ना करे, आइडिया नहीं करेगा। क्योंकि मुझे याद था जब मैं चला था 75% पे था, 25% कम हो गया है यहाँ पे पूरा घूमने में, दैट इज वियर्ड। तो ये एक नैरो सा ब्रिज है पैंगोंग लेक से जस्ट 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहले यहाँ से भी है। जैसे ये क्रॉस करेंगे ना तो एक बोर्ड आ जाता है फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। तो अभी जो मैंने डीजल लिया था नुब्रा में वहाँ से अभी तक 150 किलोमीटर चल चुका है और माइलेज 8.2 का दिखा रहा है। और रास्ता भी खुल गया है, ज़्यादा नहीं 15 मिनट का सिर्फ ये जैम लगा था और भी खुल गया है। थोड़ी देर मैंने क्या किया, बोनट को खोल दिया ताकि जो मतलब जो गर्म है ना थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए क्योंकि क्लाइमेट ऑलरेडी ठंडा है, तो खोल दिया था। और अभी वार्निंग तो कम से कम ऑयल टेम्परेचर का वार्निंग हट गया, यही लैंडस्लाइड है। दिस इज द लैंडस्लाइड दिख रहा है यहाँ पे सीरीज। लेकिन बस अभी एक जो DF वाला है वो तो अब चलेगा, DF लो हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि असल DF बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। हाँ हाफ पे है अभी DF, हाफ पे तो चला जाएगा ले आराम से। ऊपर में ना एक्चुअली काम चल रहा है तो पूरा रास्ते पर ही बार बार डाइवर्ट कर दे रहा है। फिर से कोई तो एक ऑफ रोड का पैच है वहाँ से डाइवर्ट कर दिया। कहाँ से जाऊँ मैं, कहीं से भी ले जाओ तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही। ठीक है, अब आप देख बोल दे कहीं से भी ले जाओ। तो फिर सैंड मोड वाला है ना, देखे तो भाई तभी मैं सैंड मोड में चला रहा हूँ गाड़ी। हर मोड को यहाँ चेक कर लिया मैंने, बाकी लोग मत लाना फंस जाओगे तुम लोग भाई। ये यहाँ जाना है ना, ये इनोवा कैसे चला रहा है भाई। हम सैंड मोड फैंड मोड सब ऑन कर दे रहे, ऑटो पे चले जाते हैं। अरे ये बोट पहले नहीं थी। ओह लिटरी जाने गया पूरा बोट चाइना के लिए। भाई साहब बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है यहाँ पे। उधर में वो भी नहीं था, मतलब हाँ वो भी गोम्पा भी नहीं था। 4 साल में काफी चेंज हो गया पैंगोंग लेक। चाइना दूर है यहाँ से सरद, अभी 5-7 किलोमीटर और दूर है। बॉर्डर वॉर्डर दिखेगा कहीं से शायद। भाई देखो इतना बड़ा लेक है फिर भी हमारे पास 30% ही है। हाँ, 70% चाइना लेके रखा, सोचो कितना बड़ा होगा उसके पास। ये बहुत खूबसूरत है ये। एक इधर फोटोग्राफी चल रहा है, वन सेट, सेकंड सेट फोटोग्राफी वहाँ चल रहा है, वहाँ सारा सक्सेना पहुँचा हुआ है। खोपची में दिख रहा है छोटा सा आदमी, वो अपना अलग दुनिया में रहता है।
एक पिक्सल फोन लेके आया है, पिक्सल है गूगल पिक्सल है ना हितेश उसका काम, शरद का फोन, पिक्सल 6 लेके आया है। लग रहा है कि लद्दाख ट्रिप में ना उसका पूरा फीचर समझना चाहता है कि कैसे कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, हर तरह का फोटो खींच रहा है वो। अभी हम लोग पहुँच गए पैंगोंग लेक, कितने बजे पहुँचे थे, 1 घंटा पहले पहुँचे थे, चाय पी के अभी जस्ट आ गए हैं। पीछे में हमारा कॉटेज जो है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, उधर में गई हैं, पास में गाड़ी भी पार्क है दोनों। अभी जो पैंगोंग लेक है ना लुक्स लाइक कि काफ़ी कमर्शलाइज हो गया है, लुक्स लाइक क्या है कमर्शलाइज अभी। और उस साइड में जो माउंटेन है वहाँ पे स्नो कैप दिख रहा है, इधर में भी थोड़ा सनसेट हो गया तो पानी का उतना कलर अभी नहीं दिख रहा है, कल सुबह में फिर से दिखेगा ब्लू कलर, अभी वहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे डीप ब्लू है, वहाँ पे ग्रीन है। जैसे ये हुआ ना, जैसे सनसेट हुआ ना, सन था तो मस्त लग रहा था, जैसे सनसेट हुआ टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, नहीं ड्रॉप हुआ जूल बोले बच्चों लोगों का मत सुनना, ठंडा काफ़ी लग रहा है तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा ये वुडन कॉटेज इसलिए लिया क्योंकि ये जो जगह है ना, मतलब वुडन कॉटेज हमेशा ज़्यादा गर्म करता है। अगर आप लोग भी पैंगोंग लेक आ रहे हो या कोई भी कोल्ड जगह जा रहे हो जहाँ कैंप की फैसिलिटीज़ है, वुडन कॉटेज पहले प्रीफर करना क्योंकि गर्म होता है और कैंप बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो हम लोगों ने वही किया कि वुडन कॉटेज ले लिया अभी, और अभी रात में मतलब अब ज़्यादा शूट भी नहीं करना है तो सोच रहा हूँ वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया जाए। और ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एक एक कम टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो अभी थोड़ा सिर्फ ठंड लग रही है, बाकी किसी को ठंड नहीं लग रही है। ये बंदा जैकेट पहने हुए और बोला है ठंड नहीं लग रही। गुड वाली देश, ठीक है जैकेट पहन के बोल रहा है ठंड नहीं लग रही है। मैं भी अभी अपने आप को वार्म अप कर रहा हूँ धीमे धीमे, ऑक्सीजन 90 चल रहा है, एक एक को टेंशन नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास सब इंतजाम है कि खुदा ना खासा कुछ गड़बड़ होगा तो हर तरह का इंतजाम अपने पास रखा हुआ है ना, इमरजेंसी केस में यूज़ करना नहीं तो ठीक है। तो बस यही रहेगा इस वीडियो के लिए, रात में देखते हैं टाइम लैप्स अगर लेने का दिल हुआ तो लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।